लोकस ऑफ अ पॉइंट, और उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। प्लस प्लस में ये था ना, लोकस ऑफ अ पॉइंट और उस पर बेस्ड क्वेश्चन चल रहे थे। टू क्वेश्चंस हुए थे। क्वेश्चन नंबर थ्री इसमें लिखेंगे लोकस पर बेस्ड। इफ अ रोड ए बी ऑफ फिक्स्ड लेंथ, इफ अ रोड ए बी ऑफ फिक्स्ड लेंथ 2L, 2L मूव्स सच दैट द एंड्स आर that the ends of it, the ends are on coordinate axis. तो इसके ends हैं वो किस पे हैं? Coordinate axis means coordinate axis x axis और y axis पर. Then find the locus of first है mid point of ए बी, सेकेंड है सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी वेयर ओ इज ओरिजिन, एंड थर्ड है लोकस ऑफ अ पॉइंट locus of a point which divides AB in the ratio 1:2, ब्रैकेट में लिख लें 1 रेशियो किधर से है, x एक्सिस की तरफ से, मेजरिंग फ्रॉम x एक्सिस, और थर्ड पार्ट के लिए where 2L is equal to 4, third part में 2L की value रख सकते हैं, मतलब L की value आ जाएगी 2, करेंगे इन तीनों पार्ट को, बनाइए इसको, question number 3 सभी लोग, third question, जिसका भी आंसर आ जाए बताएं, तीनों पार्ट बना लें। सबसे पहले डायग्राम बना लें, लोकस है तो मूविंग पॉइंट को एच के और एक्स वाई ले लें, और उस एच के और एक्स वाई में हमें रिलेशन लेके आनी है, एल आ सकता है क्योंकि एल क्वेश्चन में दिया हुआ है, लास्ट क्लास में मतलब कल की क्लास में हमने लोकस स्टार्ट किया था, फोर डेज क्लास होती है आपकी, कब कब? मंडे वेंसडे फ्राइडे और संडे। सिद्धांत पूछ रहा है कि कब स्टार्ट किया था लोकस, तो कल स्टार्ट किया था, ठीक है, और अगर छूट गया है तो आप देख सकते हैं पिछले लेक्चर की रिकॉर्डिंग, जो आपको बताइए अपलोड होती है वो सभी रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। देखते हैं A rod of fixed length 2L ये हो गई एक रॉड ए बी, इसके एंड पॉइंट है, इसकी जो लेंथ है
you fix at 2L. Okay, वो सर दैट एंड्स आर ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस. एंड पॉइंट कहाँ है? कोऑर्डिनेट एक्सिस पर. फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट. इसका मिड पॉइंट का लोकस निकालना है. मान लेते हैं मिड पॉइंट को एच के ले लेते हैं. मान लीजिए ये मिड पॉइंट है O5 वोल्ट. इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे नहीं मालूम. लेट अस अज्यूम ये ए जीरो है और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जीरो भी है. लेकिन ए बी हमने अपनी तरफ से अज्यूम किया है तो हमें इसे इलिमिनेट करना होगा. इस बात का भी ध्यान रखेंगे. यहाँ देखिए मिड पॉइंट के फॉर्मूले से ए प्लस जीरो बाई टू. अगर ए और बी के मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट लिखें तो क्या आएगा? ए प्लस जीरो अपॉन टू दैट इज इक्वल टू एच. ए बराबर कितना आ गया? टू एच. एंड बी प्लस जीरो बाई टू बराबर क्या आया? के. तो बी बराबर कितना आ गया? टू के. तो मतलब ए की जगह मैं 2h लिख सकता हूँ. ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हो गया 2h 0 और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0 2. ऐसे ही बोल सकते हैं. और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? ए बी क्या है डिस्टेंस? 2l है. डिस्टेंस फॉर्म लगाओ. ए और बी के बीच की डिस्टेंस का फॉर्म लगा रूट ओवर x1 माइनस x2 स्क्वायर मीन्स 2h माइनस 0 स्क्वायर 2h स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर बराबर 2l. स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ. 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 4l स्क्वायर. 4 कैंसिल. अब h को x और k को y से रिप्लेस कर दिए तो वही लोकस है. देयरफॉर लोकस ऑफ इस लोकस ऑफ मिड पॉइंट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर. नोट करेंगे ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है. मिड पॉइंट ऑफ AB का लोकस. लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ रोड ए बी. नोट कर लीजिए. किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताइए. फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट बनाए. बताएं क्या आंसर होगा सेकेंड पार्ट का. पहले फर्स्ट पार्ट नोट कर लीजिए. सर एक बार दोबारा समझा दो. डिस्कनेक्ट हो गया था. डिस्कनेक्ट हो गए थे. देखिए क्या हुआ. ए बी का मिड पॉइंट एम हमने एच के ले लिया. ए को ए जीरो लिया बी को जीरो भी लिया. इसका मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाला ए प्लस जीरो बाई टू बराबर एच. तो ए बराबर आ गया टू एच. ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट से बी प्लस जीरो बाई टू के. तो बी बराबर हो गया टू के. ऐसे आ गए ए और बी आ गए. यहाँ रख दिए तो ए और बी के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास. ए बी की लेंथ 2L है तो हमने यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया. ए बी की लेंथ के लिए रूट हटाया स्क्वायर किया तो अब एच और के और एल में रिलेशन आ गई. एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे. यही लोकस है. नोट कर रही है अब. और क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकेंड पार्ट बनाए. सेकेंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट था मिड पॉइंट ए बी के मिड पॉइंट का लोकस. सेकेंड पार्ट है इस ट्रायंगल ओ ए बी का. जो ओ ए बी ट्रायंगल दिख रहा है आपको उसके सर्कम सेंटर का लोकस. जल्दी से बताइए. बहुत आसान है. अब तक तो बन जाना चाहिए था. क्या है सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी. ट्राइंगल ओ ए बी कैसा ट्राइंगल है? इस ट्राइंगल को देखो तो कैसा राइट एंगल ट्राइंगल. और राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज. मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है. ये बताया हुआ है आपको. तो हाइपोटेन्यूज यहाँ क्या है? ए बी. तो ए बी का मिड पॉइंट जो है वही क्या है? सर्कम सेंटर. तो अभी फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया गया है
एबी के मिड पॉइंट का ही लोकस को निकाला है। तो ये जो सेकेंड पार्ट में पूछा गया है, और कुछ नहीं पूछा गया, फर्स्ट पार्ट को ही लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया है कि इसके मिड पॉइंट का लोकस ही कैलकुलेट करना है, सर्कम सेंटर का लोकस। तो मतलब सेकेंड पार्ट का आंसर भी यही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मिड पॉइंट ए बी का और सेकेंड पार्ट में ओ ए बी का सर्कम सेंटर दोनों सेम है, एक ही पॉइंट की बात की जा रही है, लैंग्वेज अलग अलग रख के, समझ रहे हैं। अब आप बनाइए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है लोकस ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:2 मेजरिंग फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से रेशियो 1 ले और वाई एक्सिस की तरफ से रेशियो 2 ले। बनाए, बनना चाहिए ये भी सभी का थर्ड पार्ट। सर वो नीचे का देखने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, एल जहां 2 रख देंगे, यही ना। तो यही बता रहे हो सर, वो पिछले क्वेश्चन के लिए बता रहा था, पिछले क्वेश्चन के लिए बता रहे थे। अच्छा हाँ, एल स्क्वायर तो पिछले में आया था, ठीक है। इसका बनाओ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट सर, 9x² + 9y² इज इक्वल टू 4l² 9x² + 9y² के तो यस सर इज इक्वल टू l स्क्वायर। नहीं, ये आंसर नहीं है बेटा। देखो सर, 4a² + b² इज इक्वल टू 140। नहीं, ये भी नहीं आंसर। एक पॉइंट है यहाँ पर इस एबी पर जिसकी लेंथ 2l है, ये पॉइंट इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, इसका लोकस निकालना है, ठीक है ना। इस पॉइंट ए को मैं ले लेता हूँ a0 और इसको ले लेता हूँ 0b, जैसे मिड पॉइंट का निकाला तो वैसे ही कैलकुलेट करना है। बस यहाँ आप सेक्शन फार्मूला लगेगा, क्योंकि ये 1:1 का रेशियो नहीं हो करके 1:2 का रेशियो। अब x कोऑर्डिनेट देखो सर, 9x² + 4 + 9y² = 16 सर, 36x² + 9y² = 16x², ठीक सा लग रहा है। 9x² + 36y² = 64 सिंपलीफाइड फॉर्म में ये आएगा। यस सर, वो मैंने एलसीएम नहीं लिया। हाँ ठीक है, ये देखिए x कोऑर्डिनेट देखेंगे तो 2 into a सेक्शन फॉर्मूला से प्लस 1 into 0 upon 2 + 1 = 3 बराबर x कोऑर्डिनेट है h, a यहां से आ गया 3h/2 होगा। और इसी तरह से y कोऑर्डिनेट के बारे में बात करें, k के बारे में, तो 0 2 into 0 + 1 into b upon 3 = k, तो b यहां से है 3k। ए और बी हमने एच के में निकाल लिया। अब या तो पहले ही रख दीजिए आप, या पहले डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिए बाद में रख लीजिए। ए बी डिस्टेंस कितनी है, 2l, तो ए बी डिस्टेंस यहाँ देखिए √a² + b² = 2l, स्क्वायर करेंगे तो a² + b² = 4l². अब एक की वैल्यू रखिए एच में, ये हो गया 9h² / 4 + 9k²
is equal to 4 l square. तो लोकस h की जगह x, k की जगह y लिखा, 9 x square by 4 plus 9 y square, l की वैल्यू अब आप यहां रख दीजिए, l कितना है 2, 2 रखें, 2 square, 4 into 4, 16, LCM लेंगे तो याद आ गया 9x square plus 36y square is equal to 64. ये है simplified form में answer. देखें वैसे ही किया गया, बस यहाँ पर section formula था तो उसके according हमने A और B की value calculate कर ली, क्योंकि हम A B के term में तो answer दे नहीं सकते, A B तो हमने अपनी तरफ से assume किया है, A का quadrant A 0 है और B का 0 भी. देख लें सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम है किसी को भी. अगला क्वेश्चन लिखेंगे फिर, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, ये पॉइंट है ए 1, 2 इज अ फिक्स्ड पॉइंट. A 1, 2 is a fixed point. A variable point B. A variable point B lies on a locus whose equation is on a locus whose equation is x square plus y square is equal to 4. Find the locus of midpoint of AB. AB के मिड पॉइंट का लोकस कैलकुलेट कर. बनाइए इसे, और कोई भी दिक्कत है तो बताइए. बनाएंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4. तो लोकस के क्वेश्चन को इस तरह से आपको करना है, जो भी मूविंग पॉइंट है, जो वेरिएबल पॉइंट है, उसको आप एच के ले लें या एक्स वाई ले लें, और जो गिवन कंडीशन है उसकी हेल्प से आप एच के में और जो नॉन कांस्टेंट है जो क्वेश्चन में दिए हैं उनके बीच में एक रिलेशन लेकर गया. कोई भी अगर अननोन आप अपनी तरफ से अज्यूम करते हैं तो आप उसे इलिमिनेट करेंगे. बाद में हम लोग पढ़ेंगे ये जो लोकस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, ये एक सर्कल लिखा, एक वेरिएबल पॉइंट बी है जो कि इस जिसका लोकस क्या है, ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर. तो इस पर कोई पॉइंट बी है इस लोकस पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4. सर्कल आप ना भी बनाएं तो भी आप कर सकते हैं, बस आपको ये देखना पड़ेगा हम वो बी पॉइंट क्या ले सकते हैं. बी पॉइंट हम ले सकते हैं 2 cos theta, 2 sin theta. x square plus y square is equal to a square हो, तो x को a cos theta, y को a sin theta ले सकते हैं आप. वैसे देखिए रखेंगे तो 4 square, 4 और 2 cos theta यहाँ के 2 square, 4 cos square theta plus 4 sin square theta. cos square plus sin square 1 हो जाएगा. तो कोई भी point इस पर हो वो हमेशा इससे satisfied होगा. theta की कोई भी value रखें, थीटा चेंज करते रहेंगे तो इस पर अलग अलग पॉइंट आते रहेंगे. तो ये जो पॉइंट बी है वो वेरिएबल है
और ये इसका क्वाड्रेंट आप क्या अज्यूम कर सकते हो, 2 cos थीटा 2 sin थीटा। अब ये थीटा हमने अपनी तरफ से अज्यूम किया, थीटा ले लो, अल्फा ले लो, कोई भी इस तरह का पॉइंट लिया, तो ये हमें इलिमिनेट करना होगा, थीटा के टर्म में लास्ट आंसर नहीं ले सकते। दूसरा एक पॉइंट क्या है, A12, ये एक फिक्स पॉइंट है, 1,2 इसके कोऑर्डिनेट है, बी चेंज हो रहा है, इस लोकस पे मूव कर रहा है, मतलब इस सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है। अब आपसे कहा गया ए बी के मिड पॉइंट का लोकस ड्रॉ, इसका मिड पॉइंट ले लीजिए एम एच के, समझ गए। अब इसका लोकस कैलकुलेट कीजिए, क्वेश्चन क्लियर हुआ, अब बनाइए सभी लोग। 2x-1 whole square plus k-1 whole square = 4 बराबर 4, ये आएगा आंसर, ठीक है। मिड पॉइंट लगाओ यहाँ पर, तो ये कैसे आया 2 cos theta, 2 sin theta, ये बताया तो अभी आपको, इस पे रखिए ax² + y² = 4, cos² + sin² = 1 होता है ना, तो उससे आपको सोचना है, cos² theta + sin² theta = 1 होता है, ठीक है। तो उधर 4 है, मतलब 2 का स्क्वायर है, तो x को रखना है 2 cos थीटा और y को रखना है 2 sin थीटा, जिसे 2² 2² 4 तो कॉमन आ जाएगा, cos² + sin² = 1 हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये। बाकी सर्कल जो टॉपिक हम जब पढ़ेंगे तो उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगा पहले भी, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में भी मैंने ये यूज किया है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस में। ऐसा नहीं कि मैं पहले नहीं यूज कर किया हूँ, पहली बार यूज कर रहे हैं आपकी क्लास में। अब यहाँ से देखिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाए तो h बराबर क्या हुआ, x1 + x2/2, तो 2 cos θ + 1/2 ऐसा आएगा। यहाँ से अब 2h-1 बराबर कितना हो गया, 2 cos θ। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट देखिए, k कितना हुआ, 2 sin θ + 2/2, यहाँ से 2k-2 कितना आ गया, 2 sin θ। ये दो इक्वेशन आ गई, और ध्यान दें हमें इससे थीटा इलिमिनेट करना है, तो क्या करिए दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 2h-1 whole square + 2k-1 whole square = 4 cos²θ + sin²θ, 1 हो जाएगा। अब h की जगह x लिखिए, k की जगह y, यही लोकस है, तो लोकस हो गया 2x-1 whole square + 2y-1 whole square = 4। सर वो 2k-2 हाँ बोलिए, कोई डाउट है, यहाँ 2 था ना, 2 का स्क्वायर, अभी तक हमने स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा है, अभी तक हम पॉइंट पढ़ रहे हैं, लोकस ऑफ पॉइंट पढ़ा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अभी तक हमने नहीं स्टार्ट किया, हमने क्वाड्रेंट ऑफ पॉइंट पढ़े, क्वाड्रेंट ऑफ सेंट्रॉइड, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कम सेंटर, सेक्शन फॉर्मूला में भी क्या था, पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ रहे थे, एक पॉइंट जो दो पॉइंट को डिवाइड कर रहा है, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी, उससे रिलेटेड पॉइंट आएंगे, अब आगे उसमें भी पॉइंट का यूज होगा। सबसे पहले इंक्लाइनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, इंक्लाइनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, द एंगल मेड बाय, द एंगल मेड बाय ए स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis, with positive direction of x-axis is called its inclination, is called its inclination. एक स्ट्रेट लाइन अगर ये x-axis
इधर हो गया प्लस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई एक्सिस। मान लीजिए ऐसे है लाइन, तो प्लस एक्स की डायरेक्शन से ऐसे लेना है आपको, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में। ये अगर एंगल अल्फा है तो यही इसका इंक्लाइनेशन। मान लीजिए निगेटिव में कट करे ऐसे है, तो भी आपको प्लस एक्स एक्सिस, इधर से जब आप प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे, जहां लाइन कट कर रही है एक्स एक्सिस को, उसे एक्स एक्सिस की तरफ आइए। अब इससे आप चलिए लाइन की तरफ, ये जो एंगल है ये इसका इंक्लाइनेशन। जो डिफाइंड किया गया है वो एक्स एक्सिस के साथ डिफाइंड किया गया है। अल्फा की जो वैल्यू है वो जीरो से लेकर पाई तक हो सकती है। पाई मतलब 180 डिग्री के बराबर नहीं है। जीरो कब होगी? इफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इंक्लाइनेशन जीरो होगा। 180 से ज्यादा नहीं लेना है, जीरो से लेकर 180 तक ले सकते। जैसे कि यहां पे देखिए 90 से ज्यादा इसमें दिख रहा है, सेकेंड वाले में, इसमें यहां पे 90 से लेस दिख रहा है, जीरो से 90 तक। ये फर्स्ट टर्म इंक्लाइनेशन है, आप स्ट्रेट लाइन। सेकेंड टर्म की बात करेंगे, स्लोप आर ग्रेडियंट, स्लोप आर ग्रेडियंट ऑफ लाइन। स्लोप आर ग्रेडियंट ऑफ लाइन, स्लोप का ही दूसरा नाम है ग्रेडियंट। क्या होता है? टेंजेंट ऑफ इंक्लाइनेशन। टेंजेंट मतलब टैन, अगर अल्फा तो टैन अल्फा। टेंजेंट मतलब टेंजेंट लाइन नहीं बनानी, टेंजेंट ऑफ इंक्लाइनेशन। अगर अल्फा इंक्लाइनेशन है तो दैट इज टैन अल्फा, इज कॉल्ड स्लोप ऑफ। दोबारा शेयर कर दो। क्या चीज दोबारा शेयर करें बेटा? स्क्रीन। हाँ बोलो। स्क्रीन दोबारा शेयर कर दो, डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। डिस्कनेक्ट हो गया तो स्क्रीन दोबारा मुझे शेयर करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाती है। मैं डिस्कनेक्ट हुआ हूंगा तब मैं शेयर करूंगा ना। तुम डिस्कनेक्ट हुए तो तुम्हारे पास ऑटोमेटिक आनी चाहिए, नहीं आई? नो सर, कभी कभी लोडिंग होती रहती है सर। अच्छा, तो मेरे स्टॉप करके शेयर करने से सबके साथ गायब हो जाएगी आप, ठीक है? वेट कर लीजिए, 5-10 सेकंड में, 15 सेकंड में आ जाएगी, ठीक है? और फिर आप लोग के लिए ही है, फिर वो भी चलता रहती है रिकॉर्डिंग की, ऑनलाइन में कहीं कोई भी पॉइंट छूट गया, कुछ नहीं नोट किया आपने, या कहीं डिस्कनेक्शन हो गया, तो वो आप वापस देख लें, या फिर बाद में आपका मन किया, ये स्ट्रेट लाइन चल रहा है, आपका मन कर रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल रिवाइज कर लें। लेकिन वही चाहिए आपको कि कुछ पॉइंट सुन करके भी देखना है, नोट्स आपने जो बनाई थी उससे केवल काम नहीं चल रहा है, तो वो उसको लिए यूज कर सकते हैं आप, ठीक है? तो इसको क्लास को मैं आगे बेटा स्क्रीन चले आगे। यस सर। स्लोप ऑफ लाइन। यस सर, आगे। तो देखिए इसी को कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन एंड डिनोटेड बाय एम। इसी को हम जनरली m से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब m की वैल्यू क्या हो गई? tan अल्फा। यहां पर m इज इक्वल टू हो गया tan अल्फा, ठीक है? इसी में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्लोप पे, अगर दो पॉइंट हमें मालूम है लाइन के ऊपर तो हम उसका स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखेंगे, इफ अ लाइन इज पासिंग थ्रू, if a line is passing through
two points A x1 comma y1 and B x2 comma y2, then its slope, तो इसका स्लोप जो है दैट विल बी इक्वल टू एम इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू, या न्यूमरेटर से भी माइनस कॉमन लो और डिनोमिनेटर से भी माइनस कॉमन लो तो वैल्यू सेम ही आएगी, तो आप उसे वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन भी लिख सकते हो। अब देख लीजिए इसको कैसे लिख रहे हैं, दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए एक्स वन वाई वन, दूसरा है बी एक्स टू वाई। इस लाइन का स्लोप m है तो मैं ये m का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। मान लो ये एंगल थीटा है तो क्या होगा, ये टैन थीटा होगा, यहाँ से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए तो ये लेंथ कितनी हुई x1, इसे परपेंडिकुलर डालिए तो इसका x कोऑर्डिनेट x2, इससे इसके पैरेलल लाइन बना लें तो ये एंगल कितना होगा बताएं, ये भी थीटा होगा, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी हुई x2 माइनस x1। अब ध्यान देखिए ये कोऑर्डिनेट है y1 और ये पूरा है y2, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस कितनी हुई y2 माइनस y1। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है ABM, इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा, तो यही था स्लोप। तो टू पॉइंट अगर हमें एक लाइन के ऊपर पता है तो उस लाइन के का स्लोप हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। नोट करेंगे इसको। अब इसके बाद देखेंगे इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इन डिफरेंट फॉर्म्स, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन डिफरेंट फॉर्मेट में, फर्स्ट फॉर्मेट को कहते हैं जनरल फॉर्म, आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ इक्वन मैंने एब्रीवेशन में लिखा है उसका मतलब इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट के लिए भी एब्रीवेशन एस टी करके मैंने ऐसे बना दिया, स्ट्रेट लाइन इन जनरल फॉर्म विल बी, will be ax plus by plus c is equal to 0। ऐसे अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई है तो दैट रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक लीनियर इक्वेशन x y में, जैसे कि ये लिखा हो x plus y minus 7 is equal to 0, that is straight line। ऐसे लिखा हो 2x plus 3y plus 5 is equal to 0, ये किसकी लाइन की इक्वेशन। a b c जहां कोई रियल नंबर है, इंटीजर होने कोई जरूरी नहीं है, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इरेशनल रेशनल, रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई माइनस सेवन बराबर जीरो, ऐसे भी आ सकता है, ये सब स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मेट है, इस तरह के फॉर्मेट में जब हम लाइन को लिखते हैं तो उसे कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सेकेंड फॉर्मेट है स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, स्लोप दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन का और एक पॉइंट दिया हुआ है, जैसे ये है लाइन, इसका स्लोप मान लीजिए दिया हुआ है m, और इस पर एक पॉइंट भी हमें दिया हुआ है कि ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, इसी पॉइंट x1 y1 से पास हो रही है। इक्वेशन ऑफ लाइन इस फॉर्मेट को आपको कब लगाना है, जब
स्लोप मालूम हो आपको और एक पॉइंट मालूम है, तो आप इसकी हेल्प से इक्वेशन लिख सकते हैं और उसके बाद आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं जनरल फॉर्मेट में। एक तरफ से खुले आइए तो वो जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग स्लोप m, हैविंग स्लोप m एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट passing through the point x1, y1 will be, देखिए क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन हो या सर्कल हो या पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला कोई भी, या प्लेन ही हो, 2D फिगर हो या 3D फिगर हो, वो सभी क्या है, लोकस है एक पॉइंट के। एक पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है तो उसका लोकस स्ट्रेट लाइन है। लोकस मतलब एक मूविंग पॉइंट की बात कर रहे हैं और मूविंग पॉइंट को हम जनरली क्या करते हैं, एच के या एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे मैं एक मूविंग पॉइंट ले लेता हूँ इस लाइन के ऊपर, पी एक पॉइंट है जिसको मैंने एक्स वाई से लिख लिया, या एच के लिखोगे तो बाद में एक्स वाई से रिप्लेस कर रहा हूँ। ये पी अगर इस लाइन के ऊपर मूव करता है, मतलब एक्स वाई हमेशा इस लाइन के ऊपर होता है, तो इसका लोकस क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा। तो उसके टर्म में देखिए इक्वेशन क्या होगी, अगर स्लोप हमें मालूम है और इस लाइन पर टू पॉइंट मालूम हो तो स्लोप बराबर क्या होता है, एम बराबर वाई माइनस वाई वन अपान एक्स माइनस एक्स वन। ये जो एक्स टू वाई टू था वो एक्स वाई है यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई माइनस वाई वन बराबर कितना आ गया, एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यही लाइन की इक्वेशन है, एक्स वाई के टर्म में लिखा गया। लाइन की इक्वेशन हमेशा एक्स और वाई के टर्म में, लाइन हो, सर्कल हो, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D में है, एक्स वाई प्लेन में किसी भी कर्व की इक्वेशन लिखी जा रही है, तो लोकस हमेशा एक्स और वाई के टर्म में आएगा। लास्ट में एच के को एक्स वाई से रिप्लेस करते हैं तो एक्स और वाई में एक रिलेशन है। इक्वेशन के टर्म में बात करेंगे तो हम ठीक नोट कर लीजिए। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग थर्ड वन, टू पॉइंट फॉर। फर्स्ट सेकेंड वन क्या था, स्लोप पॉइंट फॉर्म, जिसमें एक पॉइंट मालूम हो लाइन के ऊपर और लाइन का स्लोप दिया हुआ है, तो उसकी क्वेश्चन लिख सकते हैं। टू पॉइंट फॉर्म में क्या होगा, जिसमें टू पॉइंट्स पता हो लाइन के ऊपर, टू पॉइंट्स लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स ए एक्स वन कमा वाई वन and b x2 comma y is given by, ये दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की क्वेश्चन, ये टू पॉइंट है, एक है x1 y1 और दूसरा है x2 y2, इससे पास होने लाइन की क्वेश्चन। दो पॉइंट है तो स्लोप पता चल जाएगा, तो आप इसी को यूज कर लीजिए। जो पॉइंट स्लोप फॉर्म था ऊपर क्या था, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, इतने लाइन की इक्वेशन। बस इसमें आप एम की वैल्यू रख दीजिए, एम स्लोप क्या होगा इस लाइन का, वाई टू माइनस वाई वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन। एक लाइन पर दो पॉइंट पता हो तो उसका स्लोप हम लोग लिख सकते हैं, स्लोप होगा वाई टू माइनस वाई वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन। कोई डाउट? अच्छा, इसी को हम लोग एक और तरीके से लिखते हैं, लेकिन ज्यादातर मतलब क्वेश्चंस में सबसे आसान यही रहेगा फर्स्ट में, तो सेकंड में भी हमें सिंप्लीफाई करने के लिए उसे एक्सपेंड करना होगा। उसे सेकंड मेथड जो है वो डिटरमिनेंट के टर्म में से लिख सकते हैं। कैसे, देखिए इस पर ये पॉइंट है एक्स वाई,
ये तीन पॉइंट कोलिनियर हो गए, तो कोलिनियर हो गए तो इनसे जो बन रहा है ट्रायंगल उसका एरिया एक तरह से जीरो हो गया। तो इसी लाइन की इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिटरमिनेंट पर, डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में विल बी, देखिए डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में इसकी इक्वेशन आ जाएगी। फर्स्ट रो में लिखिए एक्स वाई वन, फिर सेकंड में लिखिए एक्स वन वाई वन वन, थर्ड में लिखिए एक्स टू वाई टू वन, हाफ तो एरिया ट्रायंगल होता है बराबर जीरो कर देंगे तो हाफ उधर जाएगा तो वो जीरो ही होगा। तो ये तीनों कोलिनियर है तो एरिया ट्रायंगल जीरो, इसी को एक्सपेंड करेंगे तो ये फॉर्मेट आ जाएगा। और अगर डिटरमिनेंट के टर्म में दिया हो तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू। नोट करेंगे, फिर फोर्थ फॉर्मेट हम लोग देखेंगे। कई फॉर्मेट हैं, एक बार फॉर्मेट थोड़े से कंप्लीट होंगे फिर हम लोग क्वेश्चंस पर जाएंगे। फोर्थ है स्लोप इंटरसेप्ट कर्व, स्लोप इंटरसेप्ट कर्व देखिए क्या है इसमें और क्या मतलब होता है इसका। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, अब स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप m, स्लोप दिया हुआ है m एंड y इंटरसेप्ट c, जिसका y इंटरसेप्ट c है इज गिवन बाय, उसकी इक्वेशन होती है y is equal to mx plus c, y is equal to mx plus c। इस तरह से अगर कोई लाइन लिखी y बराबर mx plus c, तो m क्या है स्लोप है और c जो है उसका y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट क्या मतलब हुआ इसका, ये देखते हैं। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप है m, स्लोप दिया हुआ है आपको m, y इंटरसेप्ट का मतलब y एक्सिस को जिस पॉइंट पे जाके इंटरसेप्ट करे, ठीक है, उसका y कोऑर्डिनेट c है। ये c पॉजिटिव भी हो सकता है, यहाँ पॉजिटिव है, c नेगेटिव भी हो सकता है अगर नीचे कट करे तो, ऐसे लाइन कट कर रही है यहाँ पर c नेगेटिव भी आ सकता है। x कोऑर्डिनेट क्या होगा, y एक्सिस पर है तो x कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, तो y इंटरसेप्ट c, लेकिन इंटरसेप्ट ये लेंथ नहीं है ओरिजिन से, केवल पॉजिटिव नेगेटिव अकॉर्डिंग टू साइन। y is equal to mx plus c, अब ये इक्वेशन कैसे आई इसकी बात करें तो, अब हम देखिए इस लाइन पर मुझको एक पॉइंट पता है जीरो कामा सी और इसका स्लोप पता है m, तो हमने अभी सेकेंड फॉर्मेट क्या पढ़ा था, ऊपर देखिए सेकेंड फॉर्मेट पढ़ा था स्लोप पॉइंट फॉर्म, जिसमें एक पॉइंट दिया होता था लाइन के ऊपर और उसका स्लोप दिया होता था। तो इसमें भी एक पॉइंट हमें पता चल गया है, वो क्या है जीरो कामा सी और स्लोप मालूम है m, तो इस लाइन की क्वेश्चन क्या लिखोगे, y माइनस y1 मतलब c इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x1, यहां से क्या आ गया y बराबर mx, c को ले गए RHS में प्लस c। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसकी क्वेश्चन y इक्वल टू mx प्लस c कैसे आई। सर ये वाला प्रूफ दोबारा बता दो, हम ऐसा क्या बोल रहे हो बेटा वापस बताओ, आवाज तुम्हारी स्लो आ रही है। हाँ सर, जो अभी आपने बताया ये दोबारा बता दो, y is equal to mx plus c वाला, y is equal to mx plus c, अगर इस तरह से लाइन लिखी जाए कि मान लो तो y is equal to 2x plus 3 लिखा है, तो इसका मतलब इसका 2 स्लोप है और 3 जो है y इंटरसेप्ट है, ठीक है। इस तरह की लाइन को देख करके आपको ये समझना है कि जो x का यहाँ पे कोएफिशिएंट है वो स्लोप है इस तरह के फॉर्मेट में। अब कैसे आई ये इक्वेशन, इसके बारे में बात कर रहा था,
m यहाँ पर क्वेश्चन में m स्लोप दिया हुआ होगा, y इंटरसेप्ट दिया हुआ होगा, c पॉजिटिव नेगेटिव जो भी दिया है, तो y इंटरसेप्ट दिया है मतलब ये y एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करे जिसका y कोऑर्डिनेट c है, x कोऑर्डिनेट क्लियरली जीरो होगा जो भी लाइन पॉइंट y एक्सिस पर होगा, उसका x कोऑर्डिनेट जीरो होगा, तो इस लाइन पर मुझको एक पॉइंट पता चल गया और इसका स्लोप पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x1, इफ लाइन इज पासिंग थ्रू x1 y1, ये x1 की जगह हो गया जीरो और y1 की जगह हो गया c, वो रख दिया हमने, तो उससे इस लाइन की इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है? ओके सर, देख लें ठीक से, ध्यान से समझ लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। जो फॉर्मेट पढ़ रहे हैं सारे फॉर्मूले सभी कॉन्सेप्ट ठीक है अच्छे से याद होने चाहिए, आपको रिवाइज करने हैं जितने भी कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, क्योंकि फिर क्वेश्चंस जब करेंगे तो इन सभी का यूज आएगा कि किस कि कैसे ये यूज कर दिया यहाँ पर सर, इसको कैसे यहाँ पर लिख लिया, तो इसलिए सभी पॉइंट जितने ही बताए जा रहे हैं उनको ध्यान से ठीक है याद करते रहें। ओके बेटा,